close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. Hello, good morning everyone. I am Anurudh Kumar Maurya. आज आप लोगों को क्लास फिफ्थ के बारे में बताने वाले हैं. 6.2 चैप्टर 6 है. 6.2 एक्सरसाइज. नाउ आज हम आपको थ्री मेथड बताएंगे. थ्री फैक्टर यानी कंपोजिट या कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर्स. थ्री मेथड किस तरीके से सॉल्व करेंगे. तो थ्री मेथड में सॉल्व करने के लिए बेसिकली हमें कुछ नंबरों के बारे में मालूम होना चाहिए कि वो जो नंबर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं. तो बात करें इवेंट नंबर. तो जो इवेंट नंबर होंगी वो क्या होती है और ऑड नंबर्स होती हैं वो क्या होती है. तो इवेंट नंबर्स में हमारा क्या क्या आ जाएगा. तो जीरो लास्ट जीरो या जीरो टू फोर सिक्स और एट चार पार्ट करते हैं. ठीक है, ये हमारी सब इवेंट नंबर है. ऑड नंबर और इवेंट नंबर में ये भी कह सकते हैं कि जो टू से क्या हो डिविजिबल हो तो वो उनको भी क्या कहते हैं इवेंट नंबर कहते हैं. ऑड नंबर की बात करें तो वहाँ थ्री फाइव एट सेवन इसके बाद में क्या है नाइन. ठीक, तो जो उसे डिविजिबल ना हो वो क्या कहेंगे. ठीक है, बात कर देते हैं प्राइम नंबर्स की. किसकी प्राइम नंबर्स. तो जो हमारी प्राइम नंबर्स होते हैं वो क्या होते हैं. ऐसे नंबर जिनको फैक्टर क्या हो वन यानी वो खुद से कटे और वन से डिवाइड. इसके अलावा किसी नंबर से यानी इसका क्या मतलब वन और एक से अलग. ठीक, वो क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर. वन और एक से अलग इसके अलावा किसी नंबर से ना डिवाइड हो तो वो क्या कहलाएंगे प्राइम नंबर कहलाएंगे. जैसे बात करें टू, टू एक ऐसा नंबर है जो किससे जाएगा वन से जाएगा और स्वयं टू से जाएगा. इसके अलावा किसी से टू हो गया थ्री हो गया. थ्री क्या है एक ऐसा नंबर है जो वन से कटेगा और थ्री से कटेगा. इसके अलावा किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा. ये सब क्या कहेंगे प्राइम नंबर कहेंगे. अब हम बात करेंगे कंपोजिट नंबर. जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो कौन कौन सी हो सकती हैं इनके बारे में जानेंगे. जो कंपोजिट नंबर्स होती हैं इसमें टू और मोर फैक्टर जिसमें दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं वो क्या कहलाएंगे हमारे कंपोजिट नंबर्स कहलाएंगे. जिसमें दो या दो से ज़्यादा फैक्टर्स जैसे बात करें फोर सिक्स एट ये सब क्या है हमारे कंपोजिट नंबर. क्या कंपोजिट नंबर ये तो क्या नंबर से ये सब हमारे क्या जो क्योंकि इसमें दो से ज़्यादा फैक्टर लग जाए. भाई फोर का क्या करते हैं फोर तो जितने आए टू टू या फोर और टू बच्चा टू तो इसी कितने फैक्टर्स होते हैं. एक के लिए वन तो सभी का फैक्टर होता है क्योंकि वन क्या होता है कॉमन होता है. वन आपको सभी में मिलेगा मिलेगा नहीं मिलेगा. फिर ये दो हमारे फैक्टर्स हो गए. ये कितने फैक्टर्स होंगे थ्री फैक्टर्स आपको चेक करना है. चेक करने के लिए फोर इक्वल टू वन इंटू टू इंटू टू दो से ज़्यादा फैक्टर है इसीलिए क्या कहलाएगा कंपोजिट फैक्टर्स कहलाएगा. अब हम बात करेंगे ट्विन प्राइम. ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं. ऐसे नंबर्स जिनका डिफरेंस ऐसे दो नंबर्स जिनका डिफरेंस क्या होता है टू होता है. ऐसे डिफरेंस ऐसे नंबर जिनका डिफरेंस क्या होता है टू. जैसे बात करें हम एक टू लेते टू और दूसरा क्या फोर. ये एक एग्जाम्पल लेते हैं. अब यहाँ पे क्या करेंगे फोर से टू को लेस करेंगे. जब फोर को टू से लेस करेंगे माइनस करेंगे तो कितना बचेगा टू. तो इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा वो क्या जाएगा टू आ जाएगा. ठीक क्या जाएगा टू आ जाएगा. फोर माइनस टू इक्वल टू टू तो ये क्या जाएगा डिफरेंस हमारा टू होगा. इसीलिए ये नंबर क्या जाएंगे क्या करेंगे ट्विन प्राइम नंबर्स करेंगे. अब हम बात करेंगे को प्राइम नंबर्स. तो ये जो को प्राइम नंबर्स होती हैं वो क्या होती हैं. तो इनमें क्या होती है स्पेशली जो कॉमन होगा वो वन होगा. इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं होगा. इनमें जो कॉमन होगा कॉमन कैरेक्टर वो वन होगा. वही क्या कहलाएंगे वो प्राइम नंबर कहलाएंगे. अच्छा अब इसकी बात करें तो फोर एंड फाइव. फोर एंड फाइव में कैसे नंबर देते हैं फोर और फाइव.
जरा बहुत ही कठिन करते हैं तो इनमें कॉमन क्या मिल रहा है जैसे हम दोनों देखेंगे फैक्टर्स में तो कॉमन को केवल क्या मिला वन मिला तो इसीलिए क्या कहलाएगा जो कॉमन फैक्टर जिसमें वन होगा वो क्या कहलाएंगे ऐसे होगा को प्राइम नंबर्स कहलाएंगे ठीक है ये चीज़ समझ में अब हम चलते हैं फैक्टर्स के लोग जो ट्री मेथड है उसको किस तरीके से यूज करें कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर इसमें बॉक्स में थ्री और इस वाले बॉक्स में क्या है फाइव थ्री फाइव या फिफ्टी ये कितने फैक्टर निकल क्या है वो सारे के सारे आप लिख सकते हो कौन कौन से हैं थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव ठीक है थ्री इंटू फाइव इंटू फाइव ये सर ये या फाइव थ्री इंटू फाइव थ्री फाइव इंटू फाइव और सीरियस नंबर से लिखते हैं ऐसे ही इसी तरह की इसी बात सेवेंटी टू में क्या हो सकता है फिलहाल के लिए यहाँ पे एट है एट के से दो चुनते क्या हो सकता है यहाँ पे टू और ये फोर टू फोर जब कितना हो गया एट नाउ ये हमारा क्या आ गया फोर आ गया फोर की मेहनत कर सकते हैं टू इंटू टू टू इंटू टू टू जब फोर नाउ नाइन नाइन से क्या हो सकता है नाइन के लिए क्या निकाल सकते हैं थ्री इंटू थ्री थ्री जब नाइन ठीक है इसके फैक्टर निकाल के नहीं आए आपको सारे के सारे फैक्टर के साथ लिख दिए तो कितना टू इंटू टू इंटू टू इंटू थ्री इंटू अगला क्या है ड्रा द फैक्टर्स थ्री फॉर द फॉलोइंग फैक्टर्स में ये कंप्लीट करना था अगले वाले में कुछ नंबर निकालना क्वेश्चन नंबर ये जो बी है किए जाएंगे
लास्ट क्वेश्चन नंबर हम आपको इसमें से डी बता रहे हैं कि जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से शॉर्ट डिग्री मेथड का प्राइम फैक्टराइजेशन शॉर्ट डिग्री इसको फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ये वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।